और भारतीय जनता पार्टी को 36 बिरादरी का वोट मिलता है, ना कि किसी एक बिरादरी का मिलता हो। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पर चुनाव लड़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर हमने चुस्त दुरुस्त किया है और हमने सड़कें बनाई। आप जिस हाईवे से आए होंगे सरदना में, तो आपको एहसास हुआ होगा कुछ सड़कें, ये इतनी इतनी सी सड़कें हुआ करती थी। 1000 करोड़ की लागत से यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है। 80 गाँव में पानी के ओवरहेड टैंक बन रहे हैं विद सोलर प्लांट, विद आरओ प्लांट। वो करीब 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 2000 करोड़ के काम हमने सरदना विधानसभा में कराए। लेकिन जो पार्टियां आपके सामने चुनाव लड़ती हैं, वो सड़कों के अलावा किसानों का मुद्दा ज्यादा उठा रही हैं। वो उन्हें कुछ नहीं पता। जो पार्टियां हमारे सामने चुनाव लड़ रही हैं, उनकी गुंडागर्दी देखी है, उनका आतंकवाद देखा, उनका तुष्टीकरण देखा, दोबारा से उत्तर प्रदेश की जनता वो नहीं देखना चाहती है। अच्छा, और एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके का अभी माहौल है, योगी जी ने ट्वीट किया है, उससे आप कितना इत्तेफाक है? वो योगी जी ने तो कम बताया है। एक तरफ सरदार समर्थक लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जिन्ना समर्थक लड़ रहे हैं, आप इसी से आइडिया लगा लेना। तो अभी आपने जो भगवान से प्रार्थना की, क्या मांगा? हम तो भगवान से रोज पूजा करते हैं, भगवान के आशीर्वाद से ही चलते हैं और भगवान से यही मांगते हैं कि सुख, सबको सुख समृद्धि दे और ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीते, भारतीय जनता पार्टी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है।